देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता है हमको एफ इज इक्वल टू क्यू ई पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन पता है यू इक्वल टू क्यू वी हमको फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन पता है क्या होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है डी यू इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट तो चार में से बाकी तीन क्वांटिटीज में तो आपस में रिलेशन पता था मतलब बस किसका बच गया अब हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा है तो वो भी निकाल लेते हैं ना ठीक है तो कैसे करेंगे बताओ अभी अपन ने देखा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ क्या होता है क्यू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है यू इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा क्यू वी तो डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा क्यू इन टू चेंज इन पोटेंशियल समझ में आ रहा है क्या है ना यही तो होगा तो डी यू को क्या लिख सकते हो तुम क्यू इन टू डी वी आ गया रिलेशन डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट सिंपल तो है कहाँ है दिक्कत बताओ और अगर वेक्टर्स खोलेंगे तो कैसा बन जाएगा ई वेक्टर जैसे क्या होगा बताओ ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप डी एस वेक्टर क्या होता है बता सकता है कोई डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप करो इन दोनों का डॉट करो क्या आएगा हाँ माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड आगे समझ में ठीक है इसको अगर नेट पूरा निकालना है चेंज इन पोटेंशियल तो क्या लिख सकते हो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेंट डी वी मेरे ख्याल से ये चीज़ तो समझ गए हो जैसे दो चार्जेस को इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे करते तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है सिमिलरली एक चार्ज के कारण इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल कितना हो जाता है जीरो अरे फॉर्मेट भी तो क्या आया था के क्यू बाई आर आर को इन्फिनिटी करो जीरो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है जिस तरह से कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा मीनिंग नहीं होता ना वैसे ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल का भी नहीं होता चेंज इन पोटेंशियल से मतलब होता है पर तुम एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो कैसे इन्फिनिटी पे क्या मान लेते हैं हम पोटेंशियल जीरो ठीक है तो इससे क्या आ जाएगा वी इक्वल टू इंटीग्रेंट डी वी या फिर डेल वी लिख दो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है ना जहाँ भी लेके जा रहे हो वो लिमिट रख दोगे तुम समझ में आ रहा है अगर ए से बी लेके जा रहे हो तो आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए आ रहा है समझ में ठीक है बस हो गया यार के यही है अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं तुमसे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एक तो सिचुएशन हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी है और पोटेंशियल निकालने को कह रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और पोटेंशियल निकालना है तो ये तरीका है अगर तुम्हें केस वन क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालना है तुमको पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल तो ये तरीका यूज़ कर लोगे अब दूसरा तो भाई क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें पोटेंशियल पता है और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कैसे करेंगे बताओ पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे बताओ तुम्हें पता पोटेंशियल है कैसे बताओ कैसे निकालेंगे जैसे मैंने दे दिया भाई पोटेंशियल बोल दिया मैंने v इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड कुछ भी दे दिया फंक्शन पोटेंशियल क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें इसको उससे क्या आ जाएगा पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें इसको तो क्या हो जाएगा कैसे मिलेगा ठीक है ना ठीक है सही है तो क्या कर सकते हैं देखो हम इसमें मान लो तुमको v पता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है
तो तुम्हें ई निकालना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन निकालना है। अगर तीनों डायरेक्शन में आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमको वेक्टर, है ना। तो तुमको वी पता है और उससे तुम्हें ई एक्स, ई वाई और ई जेड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये देखो इसको सोचो, अगर इसमें मैं मुझको मैं क्या करूँ, वाई और जेड कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर दूँ, वाई और जेड कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर देता हूँ, सिर्फ एक्स को वेरी करूँगा। अगर वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे तो डी वाई क्या हो गया, डी वाई क्या बता रहा है, चेंज इन वाई। अगर वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, अगर वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट को मैं कांस्टेंट कर दूँ, आर कैप्ट कांस्टेंट, वाई और जेड को कांस्टेंट कर दूँ, तो मैं जानता हूँ डी वाई मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, और डी जेड क्या हो जाएगा, तो डी वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई एक्स डी एक्स, और डी एक्स को नीचे ले आओ तो मिल गया ना ई एक्स, तुम्हें क्या मिल गया, ई एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। और इसको अपन माइनस डी वी बाई डी एक्स की जगह माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिख देते हैं, बताओ क्यों। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी सब कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा तो इस इक्वेशन में समझ में आ गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि वाई और जेड क्या है, कॉन्स्टेंट। यहाँ पर तो मुझे अलग से लिखना पड़ा ना, अरे वाई और जेड को कॉन्स्टेंट रखा उसका मतलब ये तो कि तुमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा है उसको। बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या। सिमिलरली वाई और जेड निकल जाएंगे तुम्हारे, ई वाई क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी वाई डेल वाई, और ई जेड माइनस डेल वी वाई डेल जेड। और कुछ भी डाउट हो तो पूछो, मैं दोनों पे अभी क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ठीक है ना, ये सारे याद रखने हैं फॉर्मूले। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल में कन्वर्ट करने वाली प्रॉब्लम्स को करते हैं ना, जहाँ तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल निकालना है। तो सेम प्रॉब्लम ले लेते हैं जो अभी करी थी अपन ने, क्या लिख रहे थे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने क्या निकाला था अभी लास्ट, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। सेम क्वेश्चन को करना है एक अलग मेथड, और देखते हैं भाई इस मेथड से भी सेम आंसर आता है या नहीं आता। तो एक डिस्क है तुम्हारे पास जिसकी रेडियस ए है, प्लस प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा निकालो। इस बार किससे करना है, मेथड नंबर टू। एक मेथड से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिंग के कारण निकाला और इंटीग्रेट करा अभी जो करा था, अभी वाली मेथड यूज करनी है, डी वी इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी एस वी, इसको यूज करो।